विच पार्टी? ये कौन सी पार्टी हो रही है? कुडू पार्टी। कुडू पार्टी सुबह सुबह। और आप लोग सोच रहे होंगे क्या इनकी लाइफ है, बोरिंग सी, हर रोज हर वीकेंड एक जैसा होता है, सुबह सुबह उठ के कुडू चले जाओ। बट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव आपकी मर्जी करने वाला टूडलर। और यह पहने हुए क्या हो? और शर्ट चेंज नहीं की? नहीं। तो फिर पजामा भी नहीं करते? उनको देखें, वो तो वहां जाके पहले ही बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। सो इट्स अ सैटरडे एंड आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग फ्रॉम द कुडू ब्रेकफास्ट। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने लिया था वॉफल क्योंकि मीठा खाने का बहुत मूड था, वॉफल विद न्यूटेला। और आई देन एज़ यूजुअल किड्स मील, और थैंकफुली उनको कुछ अच्छा टॉय मिल गया था आज जो उन्हें पसंद आ गया था। एंड बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम घर वापस आ गए थे और घर के काम मैंने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले तो स्टार्ट किया था लॉन्ड्री से, विच इज़ द कॉन्स्टेंट इन माई लाइफ, रोज़ाना का काम है वो मेरा। और उसके बाद कुछ घर की सफाई वगैरह कर ली थी। घर आने के बाद आज़म और आयदा सो गए थे वापस, बिकॉज वीकेंड था तो वो लोग सोना चाह रहे थे। और आयदा तो वैसे भी लेट ही उठती हैं, और मैंने बस घर की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कर ली थी, सफाई, क्योंकि मैं रात को बहुत जल्दी सो गई थी तो घर काफ़ी बिखरा हुआ था। और उसके बाद बस मैंने अपने कपड़े वगैरह आयरन किए और तैयार हो गई थी मैं। सुबह तो टाइम नहीं मिला था, ऐसे ही चले गए थे। जो नाइट सूट पहना हुआ था उसी के ऊपर अबाया लेकर, बिकॉज़ आयदा को बहुत जल्दी थी जाने की। दिस वाज माय आउटफिट फॉर द डे। बट वापस आने के बाद फिर मैंने अपनी जो रेगुलर सुबह की तैयारी होती है वो कर ली थी। उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं लिया था, बस जब आयदा उठी तो उनको तैयार किया, नाश्ता नहीं लंच किया फिर हमने, विच वॉज मेनली लेफ्ट ओवर्स, तो उसके लिए कोई क्लिप नहीं लिया था। और उसके बाद फिर मैं आयदा को कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कराने लगी थी। ओके डन, इट्स डन। 2, 3, 4, 5, 6, 6 here. अच्छा, आजकल मैं आयदा को इसी तरह की वर्कशीट्स वगैरह ज़्यादा करवाती हूँ, बिकॉज़ अभी ये बड़ी हो गई हैं तो इनका स्कूल भी स्टार्ट होने वाला है, सो माय मेन फोकस इज़ ऑन हर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। उससे पहले जब छोटी थी तो मैं इनको बहुत ज़्यादा क्राफ्ट्स वगैरह की एक्टिविटीज़ बनाकर दे देती थी, बहुत सर्च करती रहती थी और बनाती रहती थी। बट अभी ज़्यादातर मेरा फोकस इन्हीं वर्कशीट्स पर है। इनको प्रिंट भी नहीं कराती हूँ मैं, बस किसी भी नोटबुक में मैं इनको कुछ एक्टिविटीज़ बना कर दे देती हूँ और ये करती रहती हैं। इसके अलावा एजुकेशनल टॉयज़ भी मैंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा कोई परचेज़ नहीं की है। मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है जिससे आप ये वाली सारी चीज़ें इनको सिखा सकते हैं, बच्चों को काउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, इसके अलावा एडिशन, सब्ट्रैक्शंस। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि जितना ज़्यादा हम चीज़ें ख़रीदते हैं उतना ज़्यादा लाइफ में क्लटर होता जाता है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। पहले यही होता था कि मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशनल टॉयज़ मैंने लिए हुए थे, स्पेशली जब ये 2 साल तक की एज तक तो मैंने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी। बट देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि सारा टाइम तो टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में और फिर इनको ढूंढ कर रखने में ही निकल जाता था और इतनी कोई ख़ास लर्निंग नहीं हो पा रही थी। सो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आई एम फाइंडिंग दैम रियली यूज़फुल। अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी आपके साथ किसी अलग से वीडियोज़ में भी शेयर कर दूँगी अगर आपके बच्चे आयदा की एज के हैं तो
आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो। इसके अलावा आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं ऑन गूगल, यूट्यूब, और वैसे भी ये वाली एक्टिविटीज़ तो सबको ही आती हैं, या हम सब ने भी स्कूल अपने स्कूल टाइम में की हैं। ये बॉल्स कितनी बनेंगी? 1, 2, 3 अब ऐड करें सबको, सबको ऐड करें। हम 2 यहाँ बना दी, 3 यहाँ बना दी, सबको ऐड करें, काउंट करें, यू काउंट करें सबको साथ में। 1, 2, 3, 4, 5 तो कितनी हुई है टोटल? 5 कहाँ है इसमें, इस वाले में जो सही आंसर है वो चूज करें, कलर कर दें उसको। बस ठीक है। 1 ये 1, 2, 3 इसके अलावा एक ये एक्टिविटी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। वी डू दिस विद बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स के लिए बनाई हुई है। और बस इसी तरह हो गया था शाम की चाय का टाइम। चाय के टाइम पर नॉर्मली मेरे घर में कोई अरेंजमेंट्स नहीं होते, स्पेशली चाय तो हम रोज़ पीते हैं, बट कोई अहतमाम नहीं होता। बट आई रिमेंबर बैक इन द डे व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, तो मेरे पेरेंट्स के घर पर चाय का टाइम बहुत स्पेशल होता था। प्रॉपर स्नैक्स वगैरह सर्व होते थे, चाय बनती थी, सब लोग साथ बैठ कर पीते थे। एंड आई थिंक ये मोस्टली पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में होता ही है। और जैसे जैसे आयदा बड़ी हो रही हैं तो मैं इस तरह की चीज़ों को उनकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहती ही हूँ। एंड दैट इज़ वाई आई ट्राई कि एटलीस्ट वीकेंड्स पर हम इस तरह का कुछ ज़रूर करें। सो बस यहाँ पर बहुत सिंपल सा मैंने किया था अरेंजमेंट, फ्रोज़न समोसास को फ्राई कर लिया था और फिर अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करके साथ बैठ कर खा लिए थे। और समोसों के साथ मैंने सर्व की थी अलबैग की कॉकटेल सॉस, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। जब भी मैं अलबैग से कुछ लेती हूँ तो ये सॉस एक्स्ट्रा लेकर आ जाती हूँ, और फिर फ्रिज में मेरे पास इसका स्टॉक होता ही है। सो, जो भी फ्राइड आइटम्स मुझे खाने होते हैं वो मैं इसी के साथ खाती हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी सऊदी में रहते हैं उन्होंने ये ट्राई की हुई होगी, अगर आपने नहीं की है तो ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ये ट्राई ना की हो। और बस उसके बाद हमें कुछ चीज़ें लेने के लिए जाना था, तो आयदा ने अपने कपड़े वगैरह गंदे कर लिए थे, उनको मैंने दोबारा से तैयार किया और फिर हम चले गए थे बाहर। खाना हमने इससे पहले ही खा लिया था, बैग के बगैर कहीं नहीं जाती। रात है तो सनग्लासेस छोड़ दिए लेकिन बैग नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है, तो निकल जाओ बाहर, ये बात जब नहीं है और निकल जाओ बाहर। हर जगह शरारते हैं, हर जगह बस शुरू हो जाती हो। आधा घर से बाहर निकले और मैकडॉनल्ड्स ना आए, आइसक्रीम खाने तो ही नहीं सकता। टॉप वॉज ऑब्वियसली मैकडॉनल्ड्स। आयदा को कुछ खाना नहीं होता लेकिन यहाँ जाना ज़रूरी होता है बिकॉज ऑफ द प्ले एरिया। उसके बाद हम पहुँचे घर एंड वी फॉलोड आर नाइट टाइम रूटीन। सबसे पहले आयदा को सुलाया तैयार करके, देन अपना मेकअप वगैरह रिमूव किया जो कि मैंने कर लिया था शाम में किसी टाइम पर। पहले मेकअप रिमूविंग वाइप से रिमूव किया, विच आई डू नॉट रिकमेंड, बट आज के दिन मैंने यही किया था। देन आई वॉश्ड माई फेस विद द क्लींजर, टोनर लगाया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया। बहुत सिंपल सी मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होती है, तो ये सब काम मैंने किए और दैट्स हाउ आवर डे एंडेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।